गाइस जो लोकेशन है ना हम लोग के होटल का, सच में बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पे सब जगह पे अल्कोहल भी सर्व होता है, और जो मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर बियर का कॉस्टिंग है। हाँ, कैन आई गेट सिम कार्ड ओवर हियर? हम लोग यहाँ पे ना इंडियन करेंसी का एक बार रेट पूछते हैं। वेलकम बैक टू सिंगापुर सीरीज। सो आज ही हम सिंगापुर पहुँचे और हमने होटल में चेक इन करने के बाद 2-3 घंटे का नींद लिया, क्योंकि फ्लाइट में हमारा नींद अच्छे से हुआ नहीं था। लकीली हम लोग को जल्दी चेक इन मिल गया, मतलब हम लोग आते हम लोग को 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा लॉबी में, बट चेक इन मिल गया। यूजुअल टाइम जो चेक इन का है ना वो 2 बजे का था, बट हमें यहाँ पे 11 बजे ही उन्होंने रूम दे दिया। सो बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों ने 2 बजे तक आराम किया, फ्रेश होके अभी हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। बट सबसे पहला जो काम करेंगे वो है सिम कार्ड का। ये हम लोग का होटल है, होटल का लॉबी है, और उसके सामने ही यहाँ पे बर्गर किंग है, और वहाँ पे वो टोस्ट बॉक्स है, उसका भी ना टोस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेमस है, काया टोस्ट मिलता है, काया टोस्ट मिलता है ना। और होटल के बाजू में ना ऐसे काफ़ी सारा फूड स्टॉल्स है। अभी हम लोग ढूंढ रहे 7-Eleven जहाँ से हम लोगों को सिम कार्ड मिलेगा। ये होटल के बाजू में हम लोग का मनी चेंजर भी है, तो यहाँ से आप करेंसी वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे ना इंडियन करेंसी का एक बार रेट पूछते हैं, मतलब समझेगा कि हम लोग को यहाँ पे कैसा रेट मिल रहा है और हम लोग को इंडिया में कैसा मिला था। एंड व्हाट इज द करंट रेट? 658 ओके ओके ठीक है, थैंक यू। 65.8 का रेट, और हमने थाने से एक्सचेंज किया था 62.15 के रेट में, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 3 रुपये का डिफरेंस है। मैकडॉनल्ड्स है और वो साइड पे बर्गर किंग भी है। पीना है क्या कॉफ़ी? पहले कुछ खाते हैं ना, तो एसिडिटी होगा। ठीक है गाइस, जो लोकेशन है ना हम लोग के होटल का, सच में बहुत तगड़ा है। मतलब इतने ही टाइम में हम लोगों ने 5 मिनट में इतने सारे आउटलेट्स देख लिए खाने के, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स। मतलब अगर कुछ नया ट्राई नहीं करना है तो मैकडॉनल्ड्स वगैरह तो नॉर्मल रहेगा ही अच्छे से। तो ऐसा टाइप का आप होटल बुक कर सकते हो, सो दैट आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और सिंस मेट्रो स्टेशन ऐसे पास में है ना, तो आप अवॉइड करोगे कि आप टैक्सी बुक करना है। आप सिंस पास में तो मेट्रो स्टेशन से ही ट्रैवल करोगे और पैसे भी बचाओगे। सो ये मेट्रो स्टेशन है, मतलब मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस है, और उसके साइड में ही 7-Eleven है जहाँ पे हम लोग अभी सिम कार्ड देखने जा रहे हैं। हाय, कैन आई गेट सिम कार्ड ओवर हियर? यू वांट द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म, वी आर हियर फॉर अ वीक। आई ओनली हैव 15 डेज मैन, इज इट ओके? 15 डेज इज फाइन। सो व्हाट इज द 100 GB, $12? सो दिस सिम कार्ड इज प्री एक्टिवेटेड, यू नीड टू रजिस्टर बाय योरसेल्फ। थैंक यू। सो हम लोग को ये कार्ड मिला है 7-Eleven से, ये $12 का है, 100 GB का है और 15 डेज के लिए इसका वैलिडिटी है। तो ये एक्टिवेट करने के लिए वाईफाई लगेगा, तो वहाँ पे 7-Eleven में था नहीं, तो हम लोग वापस होटल के पास जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है होटल मेट्रो स्टेशन से, और इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अभी हम लोगों ने एक ही सिम कार्ड लिया, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। और ये अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हम लोग सेकेंड वाला भी ले लेंगे। और ये एयरपोर्ट से अगर आप बाय करोगे ना, तो आपको रफली $40 to $50 के बीच में सिम कार्ड पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे $12 में। हम लोग देख रहे थे इससे भी कम का है क्या, बट वो बोला कि यही है प्लान उनके पास। सो गाइज, हम लोग का जो मोबाइल का रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस था वो हो गया, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम लोग के पास पिन नहीं था सिम कार्ड निकालने के लिए, तो मैंने टूथपिक से निकाल के सिम कार्ड रिप्लेस किया। बट ईजी है काफ़ी वो प्रोसेस, आपको जो लिखा है ब्रोशर पे वही फॉलो करना है, तो आपका इजीली रजिस्टर हो जाता है। तो मेरे फ़ोन में हो गया, अभी हम लोग किंजल के लिए ले लेंगे। बट अभी भूख बहुत ज़्यादा लगा है क्योंकि बज गए 5:30, तो हम लोग यहाँ पे आए टोस्ट बॉक्स, और ये हम लोग के होटल के सामने ही है। ये हमारा होटल है, कुछ खाना पड़ेगा पहले। अच्छा, तो फिर वहाँ पे जाना है क्या? हाँ, फूड कोर्ट में जाते हैं वहाँ देखते हैं। अच्छा, काफी बड़ा है रे, इनको बहुत भूख लगे।
सो अभी जो मैंने रोल खाया ना वो अपने इंडिया में टिप्स का कैसा रोल रहता है वैसा ही फ्रैंकी था, बट ये काफ़ी ज़्यादा फीलिंग था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिकन था, वेजिस थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, मतलब हम लोगों ने आपको ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बट टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और ये इसका जो टोटल कॉस्ट है वो $8 था, मतलब अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो ये 500 रुपये का रोल हुआ, बट काफ़ी फीलिंग है, मतलब अभी मैंने खाया तो मुझे नहीं लगता कि मैं रात तक कुछ भी खाऊंगा, और अभी किंजल भी खा रही है। कम्प्लीटली वेजिटेरियन रोल था बेसिकली, आपने अगर फलाफल खाया रहेगा तो उसमें फलाफल था, वेजेस था और कुछ सॉसेस थे, ये भी बहुत ज़्यादा फीलिंग है और वर्थ इट है, मतलब क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था ना तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं और जो दिख रहा था सामने वो हम लोगों ने ले लिया। हम लोग के होटल के बाहर ही ये बेकरी वाला शॉप है और इधर इतना अच्छा ये आ रहा है ना, अरोमा अच्छा लग रहा है और काफ़ी सारे लोग रुक रुक के ले रहे हैं यहाँ पे। रीजनेबल भी है काफ़ी, क्योंकि क्रोसों का ये बॉक्स जो है वो $3.8 का है, सो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये केक है अलग अलग टाइप का, एक ग्रीन कलर का कुछ केक है। यहाँ पर सबवे है, तो ये जो है बेसिकली मॉल है छोटा सा हमारे होटल के बिल्कुल सामने, बट अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर काया टोस्ट खाने के लिए। ये कॉफी का साइज देख। हाँ ना, और ये भी देखो बटर इसमें। ये सिंपल है, देखो ये मेट्रो का कैसा है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है और ये जो आपको कैप्सूल जैसा बना हुआ दिख रहा है ना, मतलब वो चेंजिंग स्टेशन है। यहाँ पे ब्लू और ग्रीन है, तो मतलब आप ग्रीन से ब्लू लाइन पे जा सकते हो, फिर ब्लू से ग्रीन लाइन पे जा सकते हो। अभी हम लोग ग्रीन पे है और ग्रीन से हम लोग को जाना है पर्पल वाले लाइन में। और गाइस और एक चीज, यहाँ पे एक और एक स्टेशन जिसका नाम है धोबी घाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन रश आवर के टाइम पे जाएंगे अभी। सो गाइज ये ऐसा पूरा ट्रेन स्टेशन है और ये कम्प्लीटली पैक्ड है, मतलब ये देखो अभी ये जस्ट ट्रेन आया, तो ट्रेन आने से पहले तक कोई भी पटरी पे उतर नहीं सकता, तो एकदम सेफ है। ये ऐसे उन्होंने सारे मार्किंग दिए अंदर जाने के लिए, यहाँ से लोग बाहर आएंगे और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। से मरीना बे के लिए ट्रेन जाता है जो कि रेड लाइन में है। सो हर एक स्टेशन पे 7-Eleven है, तो अगर इनकेस अगर आपको सिम कार्ड वगैरह लेना रहेगा तो ले सकते हो, या फिर कुछ पानी का बॉटल अगर लेना है तो भी ले सकते हो। उसके साथ ये भी ATMs भी है। ATMs भी है। मस्त है ना ये एरिया? मस्त है एकदम, बड़े बड़े स्काई स्क्रिपर्स है। और बेस्ट पार्ट, मतलब अभी हम लोग इवनिंग को आए उसके लिए बिल्कुल भी हम लोग को धूप नहीं लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी होगा अगर आप दोपहर को आओगे तो। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कर रहे हैं। फर्स्ट झलक दिखा तुझे ना? हाँ, किसका? मरीना बे साइड। सो आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, काफ़ी दूर है और हम लोग को दिख रहा है यहाँ से। टैक्सी देखो, अरे हाँ ये UK में जैसे। किंजल तेरा यहाँ पे यूनिकॉर्न वर्जन है। हाँ मस्त लगेगा। यूनिकॉर्न आती है। सो गाइस सिंगापुर का अगर हम लोग फोटो देखते हैं कहीं पे भी तो हम लोग को ये बिल्डिंग तो श्योर शॉट दिखता ही है, ये सबसे फेमस बिल्डिंग है यहाँ पे का, और हम लोग के सामने उसी का भी। सो वहाँ पे है मरलायन, ये साइड है मरीना सैंड्स, वो है म्यूजियम और यहाँ पे लुई वितो का शॉप है, और उसी के साथ इस साइड में एप्पल का स्टोर है जो कि पूरा उन्होंने लेक पे बनाया है। इसको कहाँ पे भी लेके चलो, ये पहले बताइए कौन सा फैशन ब्रांड है वहाँ पे, और एप्पल का शॉप कहाँ पे, और स्टारबक्स कहाँ पे, ये तीन चीज़ उसको देखनी ही है और जाना ही है। हाँ तो वो एस्पायर करते हैं ना, अभी लुई वितो कैसा ड्रीम है, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। सिंगापुर फ्लायर भी है वहाँ पे। अगर आप कोई 5-star होटल बुक करते हो ना तो वो मोस्टली इसी एरिया में होगा, जैसे फुलरटन है यहाँ पे, ये एरिया को बेसिकली फुलरटन ही कहा जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे और भी दूसरे स्टे के लिए ऑप्शंस है, तो अगर आपका बजट है ना तो इस एरिया में रूम बुक करना। सो गाइस ये जो बिल्डिंग है आपने नोटिस किया रहेगा कि तीन बिल्डिंग है उसके ऊपर ऐसा
शिप रख दिया ऐसा लगता है। और यहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हो, तो हम लोग कल वहाँ पे जाने वाले हैं और आपको ऊपर से प्रॉपर व्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पे फूड के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट आई एम श्योर कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। ये रिवर क्रूज़ है सिंगापुर का। सिंगापुर को यूजुअली लोग जिस सिंबल से जानते हैं, वो अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे। अभी सनसेट हो चुका है और सारा लाइट्स भी जल चुका है, आप देख सकते हो। काफ़ी हैपनिंग जगह है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हवा नहीं और इतना गर्म हो रहा है, तो इमेजिन के दोपहर के टाइम पे कितना गर्म रहेगा, है ना। हाँ बहुत है, अभी इतना है, ह्यूमिडिटी अभी फील हो रहा है अपने को। सो मरलैन को मरलैन इसके लिए बोलते हैं कि उसका नीचे का जो बॉडी है वो मरमेड का है और जो फेस है वो लायन का है, उसकी वजह से। और ये भी जो स्टैचू है काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये सिंगापुर का नेशनल सिंबल है। और अभी आप देख सकते हो कि पूरा लिट हो चुका है, सब बिल्डिंग्स के लाइट ऑन हो गए हैं। और जो ये वाला है अपना मरीना पे, वो तो कम्प्लीटली लिट है, वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और हम लोग के पीछे वहाँ पे फ्लायर भी है, वो भी बहुत सही लग रहा है। तो इवनिंग के टाइम पे ना आप यहाँ पे आके आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे जॉगिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा वो भी एक अच्छा उन्होंने फैसिलिटी करके रखा है कि यहाँ पे लोग जॉगिंग कर सकते हैं, मतलब फिटनेस को भी यहाँ पे लोग सीरियसली ले रहे हैं। सो यहाँ पे सब जगह पे अल्कोहल भी सर्व होता है। और जो मेरे पीछे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बियर का कॉस्टिंग है हैप्पी आवर में, मतलब एक पे आपको एक फ्री मिलेगा, उसका $18 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, $9 एक का। हाँ तो 1100-1100 के आसपास आपको दो बियर मिलता है। यहाँ पे छोटा वाला मरलैन है, जॉगिंग करने के लिए मस्त जगह है। हाँ और काफी लोग अभी कर भी रहे हैं जॉगिंग। सिंगापुर में चलना बहुत है, क्योंकि आज हम लोग हाफ डे के बाद बाहर निकले, 4 बजे के बाद, फिर भी हम लोगों ने काफी चल लिया है। एक्चुअली ना मेरे हिसाब से दुबई में ज्यादा था चलने का, बट यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है और उसके लिए कंटिन्यूसली बारिश भी गिरती रहती है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप अम्ब्रेला कैरी कर रहे हो, हम लोगों ने तो नहीं किया है, बट अगर आप आ रहे हो तो कैरी कीजिए, क्योंकि बारिश कभी भी गिर सकती है। यहाँ पर वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े बैंक्स का ऑफिसेज है, और ये जितने भी आपको स्काई स्क्रेपर्स दिख रहे हैं वो सारे बैंक के ऑफिस। तो जो मरलैन पार्क से हम वॉक करके जिस ब्रिज से आए, यानी कि ये वाला ब्रिज, इसका नाम है जुबिली ब्रिज, और इसे बनाया गया था सिंगापुर के 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने। और सोचो, सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ था 1965 में और ये ब्रिज बनाया था 2015 में। इतने कम टाइम में सिंगापुर इतना बड़ा बन गया है, सही है ना, एकदम अच्छी बात है। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि यहाँ पे ना डिफरेंट रिलीजन के लोग है, जैसे यहाँ पे मलाई भी बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ पे के लोकल्स है और भी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। तो इधर के गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जो बिल्डिंग रहेगा ना उसके अंदर सारे रिलीजन के लोग रहेंगे, और ऐसा परसेंटेज दिया कि कितने लोग रहेंगे। तो उसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, सो सिंस अलग अलग रिलीजन के लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनका जो फेस्टिवल्स है और अलग अलग जो कल्चर है वो सेलिब्रेट होते हैं, तो उनमें एक ऐसा यूनिटी बिल्ड हो रहा है और सब लोग एक साथ रह रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी फ्रेंडली है और अलग अलग जो रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, उसको लोग इजीली अडेप्ट हो रहे हैं। भाई यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे आई एम श्योर, बट ये एक सीखने जैसी चीज़ है कि हमने कैसे हारमोनी में रह के हमारे कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। सो हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ से चल के ऐसा घूम के अभी हम लोग ऊपर आए। यहाँ पे हाईवे भी है साइड में, और ये वही वाला ब्रिज है 50th एनिवर्सरी वाला, और ऑलरेडी 5 किलोमीटर वॉक कर लिया है। नाइस, वहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा है और लाइट शो भी चल रहा है। सो गाइज, हम लोग यहीं पे बैठे थे थोड़ी देर के लिए और यहाँ से व्यू देख रहे थे, और यहाँ पे पीछे अभी फाउंटेन शो और लाइट शो भी चल रहा है,
तो अगर आप भी आ रहे हो तो वो अपोजिट साइड पे, मतलब मॉल के साइड पे, तो अगर वहाँ पे जाते हो तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पास मतलब में से मरीना बे जाओगे ना जब भी, हाँ, तभी वहाँ से आप शाम के समय पे जाना तो वहाँ पे आपको देखने मिल जाए। और आज कैसे ट्रैवल भी किया है हम लोगों ने, नींद भी ठीक से नहीं हुआ है तो थोड़ा टायर्ड है, इसलिए हमने सिर्फ मरलैन पार्क देखा। yes. और वैसे मरलैन पार्क में आपको कोई भी टिकट पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है, फ्री में आप फ्री देख में. सकते हो। yes. सो हम लोग एक ऐसा रील भी बनाने वाले कि सिंगापुर में क्या क्या फ्री में देख सकते हो। तो यहाँ से जो MRT स्टेशन है वो 400 मीटर्स की दूरी पर है रैफल्स प्लेस का, जहाँ से हम लोग आए बेसिकली। सो अभी हम लोग वहाँ पे वॉक करके जाएंगे, फिर वहाँ से MRT लेंगे होटल के लिए। आई होप आपको आज का ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, अगर लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस।